हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डाटा रिकर्शन। बिकॉज लास्ट क्लास में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, राइट? तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कौन से थे? तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। फर्स्ट वन इज व्हाट? रिकर्शन। सेकंड इज एक्सप्रेशन इवेल्यूशन। थर्ड वन इज कीपिंग ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल। एंड फोर्थ वन इज टावर ऑफ हैनोई, राइट? तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि दैट इज रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है, फंक्शन विच इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्जन, राइट? तो हम लोग रिकर्जन का एग्जांपल देखते हैं। रिकर्जन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या? जब भी मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 5, तो वो क्या करेगा? 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करेगा। हमने एक लास्ट छोटा सा सिंपल प्रोग्राम देखा था, बट वो फैक्टोरियल वाला रिकर्जन से नहीं था, वो सिंपल प्रोग्राम था। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो कैसे करेंगे? रिकर्जन से करेंगे, यानी एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर वापस से वही फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिकर्जन, राइट? सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट रिकर्जन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्टैक, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीजर नाम देता हूं मैं फैक्टोरियल एफएचटी। एक पैरामीटर पास करते हैं इंटीजर n, राइट? ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। नेक्स्ट आई एम टेकिंग वॉइड मेन। इन वॉइड मेन आई एम टेकिंग वन वेरिएबल दैट इज इंटीजर n, clrstr, क्लियर स्क्रीन। get ch के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल टेक फर्स्ट इनपुट। Just a minute, student. Sorry for interruption. Then take an input, that is printf slash n slash t. Enter the value of n. n की वैल्यू हम लोग एंटर करवाएंगे, यानी यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो 5, तो 5 का फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5, राइट? इट विल बी नॉट फ्रॉम 1, इट विल बी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, रिवर्स जाता है, राइट? एक एक वैल्यू को रिवर्स करना है, और हर बार क्या होगा, वही फंक्शन वापस से कॉल होगा। यानी अगर मैं n की वैल्यू डालता हूँ 5, तो नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या होगी? n-1। गेटिंग दिस? यानी ये चीज बार बार रिपीटेड होती रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल, राइट? देन scanf percentage d कॉमा एंड साइन n, n की वैल्यू हमने एंटर की, फाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है फंक्शन कॉल, बट फंक्शन कॉल से पहले हम लोग एक चीज करते हैं यहाँ पे, दैट इज फंक्शन की बॉडी। फंक्शन कॉल हम लोग बाद में देखते हैं, राइट? सो बिफोर दैट इंटीजर फैक्ट इंटीजर n। नाउ अभी यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि जब भी हम लोग फैक्टोरियल करते हैं तो इट मे पॉसिबल कि कोई जीरो वैल्यू डालेगा, तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? इट शुड बी ऑलवेज वन। तो यहाँ पे मैं कंडीशन रख सकता हूँ, बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन इज लाइक दिस, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान देना प्रॉपरली, रिटर्न। क्यों लिखा रिटर्न? बिकॉज मैंने लिखा है इंटीजर। इंटीजर यहाँ पे रिटर्न टाइप, इफ यू कैन सी फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, इंटीजर। जब भी इंटीजर होता है दैट मीन्स व्हाट, इट वुड बी रिटर्न समथिंग, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 2 और 3 देख सकते हैं, राइट? उसके अंदर ये मैंने फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि फंक्शन के रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है, राइट? रिटर्न यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, n इनटू फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट ब्रैकेट में n-1, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। n की वैल्यू अगर मैं 5 डालता हूँ तो नेक्स्ट टाइम वापस से यही पूरा फंक्शन कॉल होगा, और n की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 4, वापस से यही फंक्शन कॉल होगा, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। नेक्स्ट टाइम वापस से यही फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2,
और इनकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1. सो इट वुड बी रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. यहाँ पे लिखूंगा else, else what? कि सपोज 0 कोई डालता है तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 1, रिटर्न 1, सेमीकोलन. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू सिंपली प्रिंट दिस वैल्यू. प्रिंट एफ slash n slash t factorial is percentage t comma function का नाम क्या है, function का नाम है हमारा fact bracket में क्या आएगा n, simple. ये क्या हो गया, this is called function calling. ये क्या हो गया, इट इज रिकर्जन. दिस इज डिक्लेरेशन. दिस इज फंक्शन बॉडी. सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज. आई एम गोइंग टू रन एंड यू कैन सी दिस वैल्यू ऑफ एन. आंसर इज you understand, right? So ये concept किससे implement होता है, ये concept implement होता है stack से. Getting this? So this is the concept of stack, right? Applications of stack में सबसे पहला था recursion, दूसरा था expression evaluation. Expression evaluation अभी कैसा है, यहाँ पे actually presentation form में या फिर ये live class में या फिर recording में explain करना it would be difficult. जब भी आप फिजिकल प्रेजेंट रहोगे ना क्लास में, जब आपको क्लास में एक एक चीज आपको मैं इवेल्यूएट करके देखूंगा, फिर भी मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम कि मैं आपको एक पीपीटी फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन कैसे होता है. बट आई विल गिव माय बेस्ट. राइट, नेक्स्ट आता है कीपिंग ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल. राइट, फंक्शन कॉल मतलब कैसा कि जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है, राइट, उसको डिस्प्ले करवाना, दैट इज द कीपिंग ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल. राइट, एंड लास्ट वन इज टावर ऑफ हेनोई. राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. टावर ऑफ हेनोई कुछ नहीं, वो एक छोटी सी गेम है, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है. सो दिस इज जस्ट अ रिकर्जन. नाउ मूव टू द टॉपिक अगेन. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. अभी हम लोग आते हैं टावर ऑफ हेनोई की तरफ. We have already seen these entire things. चलो ये एक छोटी सी गेम है. राइट, अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. राइट, ये कहाँ पे जस्ट खाली आपको इसका कोड एक यू नो जस्ट खाली समझ लेना है कि ये कैसे करना है. क्या वैसे समझो कि ये तीनों को मुझे स्विच करना है कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे, और एट अ टाइम सिर्फ एक पर्सन ही मूव हो सकता है और सिक्वेंस मेरा यही रहना चाहिए. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो बर्ड है बर्ड को मैं मूव करूंगा फर्स्ट वर्ड पोजीशन पे, डक को. उसके बाद ये जो डॉग है डॉग को मूव करूंगा सेकंड पोजीशन पे. उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस बर्ड ऑनटू द डॉग. राइट, उसके बाद ये जो एलिफेंट है हाथी, हाथी को मैं रखूंगा फर्स्ट पोजीशन पे. उसके बाद जो बर्ड है बर्ड को रखूंगा मैं लास्ट पोजीशन पे. उसके बाद डॉग को रखूंगा मैं उसके ऊपर, एंड बर्ड विल बी ऑन टॉप. सो मेरे डेटा इस तरीके से मूव होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट, so this way tower of Hanoi is going to work. yani ye jo mere data the usko mujhe as it is move karna tha, kahan pe, on first position. this is the tower of Hanoi. aur ye uska ek simple example hai, just aapko ye you know rote learning kar lena hai, that is not used for it. right, iska kuch itna use nahi hai, but aisa hai to main aapko next class mein iska implementation bataunga, baki iski koi itni zarurat nahi hai. so these are applications of stack. Now come to the very important point, that is queue. Right? अभी stack का ही भाई है queue, लेकिन अभी सबसे पहला point आता है definition of queue. Definition of queue, जैसे ही आपको कहेंगे कि what is queue, simple यहाँ पे आ जाओ. Queue की definition क्या है? Queue is a non-primitive linear data structure. What is queue? Queue is a linear non-primitive data structure.
क्यूब के बारे में सब। एक और चीज आएगी क्यू में, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, दैट इज क्यू जो है वो क्यू कौन से फॉर्म में काम करता है, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कौन से फॉर्म में काम करता है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके चलो, तो क्यू इज लाइक इन अवर एरे, हमारा जो भी एरे है वैसा ही हमारा क्या है, क्यू है, राइट। सो क्यू के अंदर दो पॉइंटर यूज होते हैं, स्टैक में कौन सा पॉइंटर था। अभी देखो स्टैक और क्यू को आप कंपेयर करना, स्टैक अगर आपको पुश ऑपरेशन प्रॉपरली आता होगा ना, तो यहाँ पे आपको पहला इंसर्ट ऑपरेशन आपको प्रॉपरली आ जाएगा, राइट। वहां पे आपको पॉप ऑपरेशन प्रॉपरली आता होगा ना, तो यहाँ पे आपको डिलीट ऑपरेशन आ जाएगा, सिंपल। यानी हर एक अल्गोरिदम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हियर कम टू द फर्स्ट ऑपरेशन, राइट। हियर रियर जो ऑपरेशन है, दिस इज आर स्टैंड फॉर रियर एंड एफ स्टैंड फॉर फ्रंट, राइट। ओके मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझना चाहिए। सो हियर क्यू का फॉर्मेशन क्या है, क्यू इज वर्क इन फॉर्म ऑफ फिफो। क्यू का फॉर्मेशन क्या होता है, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्म में वो काम करता है, फिफो। R stands for rear pointer, right? R का मतलब होता है rear, and F stands for front. R stands for rear, and F stands for front. तो यहाँ पे दो पॉइंटर आएंगे, रियर एंड फ्रंट। रियर से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और फ्रंट से हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। चलो अब इसको समझते हैं कि जैसे ही मैं सबसे पहले दोनों पॉइंटर कहाँ पे होंगे, माइनस वन पोजीशन पे होंगे। दोनों पॉइंटर पहले कहाँ पे होंगे, माइनस वन पोजीशन पे होंगे। फ्रंट भी माइनस वन पोजीशन पे होगा एंड रियर भी माइनस वन पोजीशन पे। अभी मुझे पहला ऑपरेशन यहाँ पे जो आएगा, दैट वुड बी द इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन मुझे करना है, राइट। तो इसका मैं आपको एक पिक्चर फॉर्म में मैं पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले दोनों हम लोग सेट करेंगे, दैट इज रियर एंड फ्रंट ऑन माइनस वन पोजीशन, राइट। अभी इंसर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली माइनस वन से मुझे कहाँ पे जाना है, जीरो पे जाना है। तो जैसे ही जीरो पे जाना है तो रियर मेरा आ जाएगा जीरो पे, पहला एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा, राइट। पूरे को क्या बोलेंगे, क्यू। ये इलेवन क्या हो गया, डेटा, और पॉइंटर कौन सा होगा, रियर। नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है तो होगा आर प्लस प्लस, सो आर आगे बढ़ जाएगा, डेटा इंसर्ट होगा। आर प्लस प्लस, आर आगे बढ़ जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, राइट। आर प्लस प्लस, सिमिलर लाइक दिस। अभी आर से इंसर्ट हो गया, अभी डिलीट कौन करेगा, क्यू डिलीट करेगा, सॉरी फ्रंट पॉइंटर डिलीट करेगा। फ्रंट पॉइंटर माइनस वन से जीरो पे आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ इजिकल्स टू एफ प्लस वन। याद रखना हम लोग वहां पे क्या करते थे, टॉप इजिकल्स टू टॉप माइनस वन, राइट। लेकिन यहाँ पे डिलीट में हम लोग क्या करते हैं, f इजिकल्स टू f प्लस वन। क्यों, क्योंकि माइनस वन से मुझे जीरो पे पहले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा q है वो कौन से फॉर्म में काम करता है, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ, 11 पहले इंसर्ट हुआ, तो 11 ही मेरा पहले बाहर निकलेगा, गेटिंग दिस। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी आउट, f इजिकल्स टू f प्लस वन आ गया, ये इसको डिलीट करेगा, f इजिकल्स टू f प्लस वन आ गया, इसको डिलीट करेगा। इस तरीके से हमारा पूरा ऑपरेशन काम करता है क्यू का, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द ऑपरेशन। देखो स्टैक और इसमें कुछ फर्क नहीं है, खाली याद रखना कि जहां पे भी टॉप था वहां पे अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, आर। याद रखो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, जब भी मैं स्टैक के अंदर टॉप का यूज करता था और इंसर्ट था, यहां पे स्टैक में क्या था, एक ही पॉइंटर था जो उसका नाम क्या था, टॉप। यहाँ पे कौन से पॉइंटर है, दो पॉइंटर है, राइट, फ्रंट एंड रियर। रियर से क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे इंसर्ट है यानी आर पॉइंटर है, राइट।
तो कंडीशन जो स्टैक में थी ना वही एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी. इफ आर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन तो स्टैक इज इट इज नॉट स्टैक सॉरी इट इज क्यू इज ओवरफ्लो. क्यू इज ओवरफ्लो राइट यहाँ पे क्यू आएगा सॉरी आर इज इक्वल्स टू आर प्लस वन इस तरीके से है. चलो एक पीपीटी एक स्लाइड से ही मैं आपको समझा देता हूँ. फोकस ऑन दिस स्लाइड. फ्रंट एंड रियर पहले कहाँ पे होगी दोनों यहाँ पे फाइन. फ्रंट एंड रियर दोनों कहाँ पे होगी यहाँ पे. तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं ओवरफ्लो कंडीशन. तो ओवरफ्लो कंडीशन मतलब कहाँ पे यहाँ पे. तो हम लोग इसको क्या कहेंगे ये पोजीशन को हम लोग कह देते हैं दैट इज एन माइनस वन. दिस पोजीशन वी आर टेलिंग एन माइनस वन राइट. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज एन माइनस वन. यानी सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे दिस साइड कि अगर मेरा स्टैक सॉरी अगर मेरा क्यू एन माइनस वन पे है तो ये रियर पॉइंटर क्या मैसेज देगा दैट इज ओवरफ्लो राइट. क्या मैसेज देगा ओवरफ्लो राइट. सेकंड चलो ओवरफ्लो नहीं है कहाँ पे है माइनस वन पे. अभी उसको कहाँ पे जाना है जीरो पे जाना है. तो वो क्या करेगा आर इज इक्वल टू आर प्लस वन. आर इज इक्वल टू आर प्लस वन एक मेरा पॉइंट आगे बढ़ जाएगा. यहाँ पे था then next step में क्या करेगा it will be move r is equals to r plus 1. r plus 1 हो गया फिर यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे राइट. यहाँ पे वो उसके बाद क्या करेगा डेटा को इंसर्ट करेगा. तो मेरा डेटा फिर बाद में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा राइट. अगेन वापस से क्या करेंगे r is equals to r plus 1 डेटा को इंसर्ट करेंगे राइट. एक पॉइंटर आगे सॉरी आगे एक पॉइंटर बढ़ेगा उसके बाद डेटा को इंसर्ट करेंगे. इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होती है मेरी रिपीटेड होती रहती है right? और एक और चीज यहाँ पे कंडीशन देनी है कि जब भी मैं डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इट मे पॉसिबल. देखो यहाँ पे मैंने वो चीज मेंशन की हुई है कि चलो इसने इंसर्ट किया. अभी जब भी मैंने डिलीट करके मैं यहाँ पे पहुंच गया ना देखो डिलीट करते मैं मेरा यहीं पे आर पॉइंटर मेरा यहाँ पे सेट हो गया. अभी मुझे जब भी डिलीट करना है तो मुझे मेरे पॉइंटर जो एफ है फ्रंट पॉइंटर है मुझे उसको एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ेगा. कहाँ सेट करना पड़ेगा कि मुझे डिलीट माइनस वन से नहीं करना है. मुझे कहाँ से डिलीट करना है जीरो से करना है. इसलिए मैं एफ को सेट करूंगा क्या इफ एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन देन एफ इज इक्वल्स टू जीरो. यानी मेरा एफ जो माइनस वन पे था वो कहाँ पे आ जाएगा जीरो. बस तो यही स्टेप आपको अल्गोरिदम में भी लिखना है. देखो आर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन ओवरफ्लो हो गया क्यू इज ओवरफ्लो फाइन. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया आर इज इक्वल टू आर प्लस वन क्यू ऑफ आर में मैंने डेटा डाल दिए. उसके बाद ये हमने कंडीशन सेट की क्या कि एफ एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन देन एफ इज इक्वल्स टू जीरो. कि अगर एफ माइनस वन पे है तो एफ को जीरो पे लाओ. क्यों बिकॉज जब भी मैं डिलीट ऑपरेशन में स्टार्ट करूंगा तो डिलीट मेरा माइनस वन से नहीं होगा जीरो से होगा. गेटिंग दिस. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अवर इंसर्ट ऑपरेशन. नाउ नेक्स्ट इज डिलीट ऑपरेशन. डिलीट ऑपरेशन का कंसेप्ट क्या है जैसा ही स्टैक में था वैसा ही सेम ऑपरेशन. डिलीट के लिए कौन सा पॉइंटर यूज करेंगे एफ पॉइंटर दैट इज फ्रंट पॉइंटर. सेम वहां पे एफ इज इक्वल टू माइनस वन देन क्यू इज अंडर फ्लो. अगर एफ माइनस वन पे है तो क्यू क्या है अंडर फ्लो है राइट. फिर हम लोग क्या करेंगे डेटा को बाहर निकाल लेंगे सॉरी डेटा को क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे. व्हाई बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि यहां पे जब भी हम लोग डिलीट करते हैं तो जीरो से डिलीट नहीं करेंगे सॉरी
फोर्थ से डिलीमिट डिलीट नहीं करेंगे, लास्ट एलिमेंट से डिलीट नहीं करेंगे, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वहीं से डिलीट करेंगे. तो सेकेंड स्टेप विल बी द इंक्रीमेंट, राइट. फिर उसके बाद डेटा को वहां से रिमूव कर दिया. सेकेंड स्टेप इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू माइनस वन सी, हमने यहाँ पे सेट किया क्या कि अगर एफ माइनस वन पे है तो उसका मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो होता है. एफ अगर माइनस वन है तो उसका मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो होता है. बट वो ओवरफ्लो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये जो स्टैक का इंसर्ट का जब था हमने तभी उसको जीरो पे सेट कर दिया था. देखो यहाँ पे एफ जीरो पे सेट हो गया था. इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक के अंदर क्यू के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स अवेलेबल है, राइट. तो अभी जब भी मैं डिलीट करूंगा तो डायरेक्टली मेरा फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा, मेरा कब आएगा, सेकंड स्टेप आएगा. ये कब होगा, ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन कब होगी, ये सिचुएशन में, ये सिचुएशन में वो मुझे दिखाएगा कि क्यू इज अंडरफ्लो. व्हाई, बिकॉज स्टैक इज सॉरी क्यू इज सॉरी आई एम रिपीटिंग स्टैक एंड स्टैक अगेन, राइट. बट द क्यू इज अंडरफ्लो इन व्हाट सिचुएशन, व्हेन आवर एंटायर क्यू इज ब्लैंक. जैसे ही हमारा रियर पॉइंटर काम करता है, वो इंसर्ट करता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट पॉइंटर को जीरो पे सेट कर देते हैं. यानी ये तभी अंडरफ्लो की सिचुएशन आएगी नहीं, राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट को सेट करते हैं माइनस वन पे. माइनस वन पे सेट करने के बाद फ्रंट को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर माइनस वन है तो अंडरफ्लो सिचुएशन दे देगा, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप इंक्रीमेंट करेंगे और वहां से डेटा को निकाल लेंगे. डेटा इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एफ, बाद में हम लोग सेट करते हैं थर्ड पॉइंटर, राइट. बाद में हम लोग सेट करते हैं क्या, दैट इज अगर इंसर्ट करते वक्त या फिर डिलीट करते वक्त ऐसा पॉसिबल हो जाता है, यहाँ पे फ्रंट डिलीट करते जाओ और ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे फ्रंट और रियर, इट मे पॉसिबल कि मेरा फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाए, फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाए और बाद में मैं इंसर्ट भी करने लग जाऊँ और डिलीट भी करने लग जाऊँ, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, क्यू कंफ्यूज हो जाता है, राइट. हमारा जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है. तब उस टाइम पे मुझे क्या करना है, एक्सप्लिसिटली दोनों को मुझे भेज देना है जीरो पे, कि आप भी जीरो पे चले जाओ, रियर भी जीरो पे चला जाएगा और फ्रंट भी जीरो पे चला जाएगा. इस तरीके से मुझे दोनों को सेट कर देना है जीरो. कब, ये डिलीट ऑपरेशन. सी लास्ट, इफ एफ इज इक्वल्स टू आर, जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी मुझे सेट कर देना एक्सप्लिसिटली f इज इक्वल्स टू जीरो एंड r इज इक्वल्स टू जीरो, एज सिंपल एज दैट, राइट. सो दिस वे आवर डिलीट ऑपरेशन इज गोइंग टू बी वर्क, राइट. एक बार वापस से देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी दैट इज इंसर्ट ऑपरेशन, उसके अंदर कंडीशन चेक करते थे ओवरफ्लो, राइट. इफ r इज इक्वल्स टू n माइनस वन तो ओवरफ्लो. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, r इज इक्वल टू r प्लस वन, राइट. डेटा को पहले ऐड किया, उसके बाद डेटा को डाला, दैट इज q ऑफ r इज इक्वल टू डेटा. एंड नेक्स्ट कंडीशन, इफ f इज इक्वल टू माइनस वन देन f इज इक्वल टू जीरो, कि अगर f माइनस वन पे है तो उसको सेट करना है जीरो, राइट. डिलीट में क्या देखना है मुझे, डिलीट में ये देखना है कि अगर वो माइनस वन पे है तो मुझे सिंपल मैसेज दे देना है कि इट इज अंडर, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है, राइट. मुझे उसको इंक्रीमेंट करवाना है और उसके बाद डेटा को निकाल लेना है. वैसे डेटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ एफ, राइट. देन ओके ये स्टेप है ना, आई गेस ये स्टेप लास्ट ही आएगा. इसके बाद आएगा, दिस इज द सेकंड स्टेप. It is perfect. It is perfect. माइनस वन पे नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को निकाल लेंगे वहां से. तो डेटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ एफ, राइट. ये देखो, डोंट ट्राई टू मगअप, ठीक है, उसको मगअप मत करो, रोट लर्निंग करने की हैबिट मत डालो. देखो माइनस वन पे नहीं है, राइट. हमने कहां पे सेट किया, जीरो पे. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेवन है इलेवन को पहले निकाल लेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एफ, यानी डेटा जो है उसको हम लोग वापस से किस में ले लेंगे, ये क्यू में ले लेंगे. इसलिए हम लोग देखो डेटा को डालना है तो हम लोग लिखते थे क्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू डेटा,
याद रखना, डेटा को जब भी इंसर्ट करना होता है तो डेटा कहाँ पे आ जाता है, राइट हैंड साइड पे आ जाता है, लेकिन डेटा को जब भी रिमूव करना है तो डेटा कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है, याद रखना। व्हाई? बिकॉज इंसर्शन जो भी होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, मैंने आपको बताया था। जब भी मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो दैट मीन्स व्हाट, 10 है वो मेरा ए के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट। तो वैसे ही अगर डेटा को इंसर्ट करना है तो मैं लिखूंगा क्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू डेटा, लेकिन डेटा को रिमूव करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा क्यू ऑफ एफ इज इक्वल, सॉरी डेटा इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एफ, राइट। तो ये मेरा पहले q को इंसर्ट किया, q को इंक्रीमेंट किया, उसके बाद ये डेटा को मैं निकाल लूंगा, q ऑफ f इज इक्वल्स टू डेटा, ये डेटा निकल गया। फिर f इज इक्वल्स टू f प्लस 1, q ऑफ f इज इक्वल्स टू डेटा, f इज इक्वल्स टू f प्लस 1, q ऑफ f इज इक्वल्स टू डेटा, राइट। इस तरीके से हमारा पूरी ये चीज काम करती है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू क्रिएट q। जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो भी हमने अब तक समझा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। देखो, क्यू की साइज ले ली मैंने 5, एज आई टोल्ड यू, राइट। क्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू 5, यानी 5 साइज का क्यू बनेगा 0, 1, 2, 3। R is equals to minus 1, F is equals to minus 1, जैसा मैंने आपको बताया था वो, right? Then integer choice, choice के लिए, यानी 1 for insert, 2 for delete, 3 for display, 4 for exit. ये हमारा जो Q है, that is normal Q, हाँ? क्योंकि बहुत सारी type है, उसमें से ये पहली type जिसको हम लोग बोलेंगे normal Q, right? Next, do while operation के अंदर ये input लेंगे, उसके बाद switch, case 1. Case 1 में simple मैंने पूरा का पूरा algorithm डाल दिया। If r is equals to n minus 1, then printf overflow. Second step में हमने क्या किया, डेटा को लिया, इनपुट किया, r is equals to r plus 1, right? Because r पहले कहाँ पे था, minus 1 पे था, अभी वो कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। q of r में क्या आ गया, डेटा आ गया, यानी जो भी मेरी पहली वैल्यू थी 11, वो q of r में स्टोर हो गई। और ये हमने सेट किया यहाँ पे पॉइंटर कि अगर f minus 1 पे है तो f को कहाँ पे लेके जाओ, 0 पे लेके जाओ, ओके। ये हो गया हमारा इंसर्ट का एल्गोरिदम। सेकेंड डिलीट का एल्गोरिदम, f अगर माइनस 1 पे है तो अंडर फ्लो बता दो, डेटा इज इक्वल्स टू q ऑफ f, डेटा को पहले बाहर निकालो, राइट, ओके। ये स्टेप ऊपर लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद f इज इक्वल्स टू f प्लस 1, राइट, और डिलीटेड आइटम जो भी हुआ है वो आप यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा दो। ये जो भी डेटा आपका डिलीट हुआ है ना, दिस वन, तो ये डेटा को कहाँ, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना जरूरी है। और ये वो एल्गोरिथम, ये वो स्टेप है कि जब भी फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह पे आ जाता है, दोनों एक ही लोकेशन पे आ जाते हैं, तब मुझे एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ता है क्या f is equals to r is equals to 0। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, if f is equals to 0 and r is equals to 0, both are same, right? So these are implementation of q, insert of right, इसको डिस्प्ले करवाना है। सी, पहला एलिमेंट 11, दूसरा एलिमेंट 1, मुझे डिलीट करना है तो पहला एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, 11, वापस एंटर योर चॉइस 2, 1, वापस से डिलीट करवाता हूँ, डिलीटेड डेटा इज 0, 4 इज फॉर एक्स। सो दीज आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, ये सिंपल है, ये नॉर्मल क्यू है, फाइन। So I hope you like today's class. So I'm going to stop today. Fine. So if you have any query, you can ask me in person or you can ask me in a group also. Fine. So okay. Bye. Take care.